जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म देखने वाले हैं जिसका नाम है स्कुली इफेक्ट। ये जो टर्म है ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो आइडियोलॉजीज चेंज हो रही है हमारे देश में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। और एग्ज़ाम के लिए ही नहीं लेकिन हमारे रियल लाइफ में भी, जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसमें भी ये जो स्कुली इफेक्ट है इसका मीनिंग अगर हमें पता होता है तो काफ़ी अच्छा होता है हमें समझने के लिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ रेगुलरली करते हैं लेकिन उस चीज़ को यही कहा जाता है, ये हमें पता नहीं होता है। तो जब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे देश में कितने प्रखरते से हमें देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, स्कुली इफेक्ट जो है ये हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। तो ये रेफर करता है एक ऐसा सोशल फिनोमेना जहाँ पर जो मूवी के कैरेक्टर्स होते हैं वो जो लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग जो मूवी के कैरेक्टर्स को देखने जाते हैं, वो कैरेक्टर से जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो इंस्पायर होकर उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है रियल वर्ल्ड में। अब अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, 2008 के आसपास आई थी ये, लेकिन काफ़ी बिहेवियरल चेंज इस मूवी के बाद हमें देखने को मिला था। क्योंकि इस मूवी में एक टैगलाइन थी कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो इससे काफ़ी बिहेवियरल चेंज हमें देखने को मिला था। उसी के साथ साथ आप रट्टा मत मारो, आप कंसेप्चुअली पढ़ाई करो तो आपको आगे काम आएगा, नहीं तो चमत्कार पे चमत्कार होते रहेंगे। तो ये भी जो चीज़ है ये भी काफ़ी बिहेवियरल चेंज लेकर आई थी। जो भी इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो, किसी भी फील्ड के हो, तो ये जो मूवी है इसने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला था। और ऐसी काफ़ी मूवीज़ आती है, जैसे अगर आपने सिंघम मूवी जो है वो देखी होगी तो उसके बाद काफ़ी लोगों को जो पुलिस ऑफिसर है ये बनने के लिए इंस्पायर किया था ये मूवी ने। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मूवी कैरेक्टर्स होते हैं ये इंस्पायर करते हैं जो रियल वर्ल्ड में लोग होते हैं उन्हें, और उनका बिहेवियर जो है वो चेंज कर देते हैं। ये अच्छे पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है और कभी कभार ये गलत पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। क्योंकि जो विलन होते हैं अगर उसके तरीके से कोई बिहेव करने लग जाए, उसका जो बिहेवियर है वो अडॉप्ट करने लग जाए, जैसे खून खराबा जो होता है, वॉयलेंस जो होता है हमें मूवीज़ में देखने को मिलता है कि इतने को मारा है उसने, उसने इतनों को पटका है, तो वो जो चीज़ें हैं वो रियल लाइफ में भी हो सकती है, उसका भी बिहेवियरल चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर बिहेवियरल चेंज जो है ये हम नहीं बता सकते हैं पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, लेकिन मोस्टली जो लोगों का आईक्यू होता है ये काफ़ी हाई होता है, उन्हें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वही हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो टर्म है स्कुली इफेक्ट, ये डाना स्कुली इनके नाम पर लाई गई थी। ये एक विमेन कैरेक्टर था अमेरिकन टेलीविजन सीरीज एक्स फाइल्स में, जो कि मोस्टली 1990s में हमें देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर था ये एक मेडिकल डॉक्टर और स्पेशल एजेंट का था जो कि सक्सेसफुली फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ काम करती है। अब इस कैरेक्टर के वजह से काफ़ी जो विमेन हैं उनको इस कैरेक्टर ने इंस्पायर किया था कि यहाँ पर वो अच्छा एजुकेशन ले और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इस फील्ड में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस फील्ड में वो अपना करियर बनाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए, आप भी कभी ना कभी कोई ना कोई मूवी कैरेक्टर से इंस्पायर हुए ही होंगे। हो सकता है रोमांस के इसमें, हो सकता है एजुकेशन के इसमें, हो सकता है किसी भी इसमें आप इंस्पायर हुए होंगे, आपने कुछ सीखा होगा, एम्पैथी, सिंपैथी, जो भी चीज़ें हैं आप में कुछ आई होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही चीज़ हम कहते हैं स्कुली इफेक्ट। तो देखिए, हम इंस्पायर तो हो जाते हैं लेकिन उस चीज़ को क्या कहते हैं ये हमें पता नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है ये पता नहीं होती है। तो ये है वो कैरेक्टर जिसके वजह से ये जो स्कुली इफेक्ट है ये हमें देखने को मिलता है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों तक ताकि दूसरों को भी इस टर्म के बारे में पता चले। और आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छे से रखिए, मोटिवेट रहिए, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।